आज कुछ किचन प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मैं, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी दिन से यूज़ करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ये ज्वेलरी बॉक्स है, मसाला भी रख सकते हैं आप। अब बेसिक मसाला तो नहीं इसमें, आप ड्राई जो आप खड़ा मसाला होता है वो आप रख सकते हैं इसमें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। वुड का है ये, बहुत प्यारा है, फिनिशिंग इसकी बहुत ही सुंदर है, आप देख लीजिए। इसमें खाने बने हुए हैं बॉक्स टाइप, 9 बॉक्स बने हैं इसमें, 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, देख लीजिए। और ये बंद हो जाता है अपने आप, आप इसमें अपना ज्वेलरी सोने के टाइम आप बेड साइड में भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं आप ज्वेलरी अगर अभी। और ये 2 बाउल देखिए कांच का है, और मैं पिछले 10 साल से ये यूज़ करती हूँ मैं, ये मुझे बहुत पसंद आता है ये दोनों बाउल। जो मेरा किचन ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, डाइनिंग पे भी देखा होगा आप लोगों ने। इस तरह से देख लीजिए इसका बाउल है, ये लीड किसी और में भी ये लग जाता है, लीड ये इस तरह से 2 बाउल है, देख लीजिए आप। एक बड़ा साइज है, एक थोड़ा छोटा साइज है, आटा भी गूंथ सकते हैं आप, कई कामों में इसमें काम आता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। किचन में थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट हो तो किचन में काम करने में भी मन लगता है। सबका अपना अपना सोच है, ये ऐसा तो मुझे लगता है, फील होता है, अब पता नहीं आप लोगों का क्या है। ये दूसरा वाला छोटा सा बाउल है, ये इसका भी लीड है, लीड साथ हो तो आसान हो जाता है ये। और एक फ्रूट बाउल दिखा रही हूँ मैं आपको, इसमें वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं आप, फ्रूट भी रख सकते हैं। जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो डाइनिंग में देखे होंगे, ये फ्रूट रखा हुआ है। किचन में भी कई बार मैं रख देती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह रख कर, मुझे बहुत पसंद है ये सारे प्रोडक्ट। धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ मैं, ये भी पिछले 3 साल से है मेरे पास। ये ब्रास का है, और देखिए साइड में पूरा लिप्स ब्रास का बना हुआ है, और ये जिसमें रखना होता है ये मेटल का बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर इसका फिनिशिंग है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। पसंद आए तो ज़रूर आप एक लाइक कर दें। अब मैं क्या दिखा रही हूँ आपको देख लीजिए, थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है और कुछ नहीं होता। जिनको आदत पड़ गया कांच का सामान यूज़ करने को, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक मैं ट्रे दिखा रही हूँ आपको, ये ब्रास और कांच का है, इसका हैंडल इतना प्यारा है, हैंडल तो किसी और मटेरियल का है, ये प्लास्टिक भी नहीं है, ये मैं ठीक बता नहीं सकती आपको ये किस चीज़ का हैंडल है। फाइबर टाइप का लग रहा है मुझे ये, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, पिछले 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और देख लीजिए नीचे से ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि ख़राब ना हो इसलिए ये देखिए चारों तरफ चारों कॉर्नर में इस तरह से ब्रास का ये बना हुआ है, अभी तक जंग भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ उसको। ब्रास और ग्लास मिक्स करके इसका बनाया हुआ ये ट्रे, बहुत ही प्यारा है ये। जो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली होता है अच्छा होता है, थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना पड़ता है कि कई साल तक इस्तेमाल हो, दो के हमेशा तो आप प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे इतना, और ख़रीदना भी तो है, जो आपको ज़रूरत है वही आप खरीदेंगे, ये नहीं किसी के मैंने ब्लॉग देखा उसमें वो चीज़ मुझे पसंद आ गई।